सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डॉक्टर रमलाव लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी आज बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। परीक्षा कुल 383 केंद्रों पर होगी। इसमें स्नातक एवं परिस्नातक अंतिम वर्ष के लगभग 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। गुरुवार से 2 पालियों में शुरू हो रही परीक्षा में स्नातक अंतिम वर्ष में 53,430 छात्र एवं 70,172 छात्राएँ हैं, पर स्नातक में 10,761 छात्र एवं 21,338 छात्राएँ हैं। परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए CCTV कैमरे की निगरानी, परीक्षा शासन की मंशा के अनुरूप कोविड प्रोटोकॉल में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा नियंत्रक उमानाथ ने बताया कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों के कक्ष में CCTV कैमरे का सुचारू संचालन करना होगा। इसकी मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम एवं नियुक्त सचल दल की ओर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुलपति प्रोफेसर रविशंकर ने कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देश के क्रम में केंद्राध्यक्षों एवं प्राचार्यों से कहा कि परीक्षा के पूर्व परिसर को सैनिटाइज कराने के पूरे निर्देश दिए हैं। परीक्षा कक्ष में एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच दूरी का भी पालन होगा। कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की परीक्षा 22 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों, यही खबर आ रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। आपको प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर जो है वो स्कूल में लेके जाना है, अपने परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना है, ताकि जो है आपसे कोई भी यह ना कह पाए कि आपको परीक्षा देने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, यही खबर आई है आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। अगर आपको भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी खबर जाननी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।